हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग। मैं नबील है। सपोज आपने कभी आईफोन से सोचा माइग्रेट करूँ मैं एंड्रॉयड के ऊपर, कंप्लीट शिफ्ट कर दूँ, या फिर आप एक सेकेंडरी फ़ोन रखते हो अपने आईफोन के साथ जो एंड्रॉयड फ़ोन है, बहुत लोग ऐसा करते हैं। तो उसमें जो है क्या होता है, जैसे आप आईफोन टू आईफोन अगर डेटा ट्रांसफ़र करना है तो बहुत ईजी है, और एक आईफोन से दूसरे आईफोन में माइग्रेट करना भी बहुत ईजी है, और एयर ड्रॉप वगैरह है बहुत ईजीली चला जाता है। एंड्रॉयड और आईफोन के बीच में आपको करना पड़ता है इस्तेमाल शेयर इट टाइप के जो सॉफ्टवेयर है, वो एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है जो इतने एफिशिएंटली, और सारा डेटा जो है आप माइग्रेट नहीं कर पाएंगे, मेनली जो है मीडिया फाइल्स ही कर सकते हो, जबकि कॉन्टैक्ट्स है, आपके कॉल लॉग्स है, आपके मैसेजेस है, आपके बुक मार्क्स है, वॉइस नोट्स है, फोटोज़ है, वीडियोज़ है, सारी चीज़ें जो है आपको फास्ट और एफिशिएंट वे में किस तरीके से आप जो है आईफोन से एंड्रॉयड के ऊपर ट्रांसफ़र कर सकते हो, रिस्टोर कर सकते हो, इनफैक्ट आईक्लाउड से भी जो है किस तरीके से आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, ये आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। बहुत लोग जो है अपना आईफोन बेच देते हैं, उसके बाद जाके जो है वो लोग एंड्रॉयड फ़ोन लेते हैं, उनका जो डेटा आईक्लाउड में है वो वैसे ही पड़ा रहता है, वो अपने एंड्रॉयड में जो है उसको रिस्टोर नहीं कर पाते। तो ये मेथड भी मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही सिंपल, ईजी और चीप मेथड है ये चीज़ करने का। तो यहाँ पे आपको ज़रूरत होगी दोस्तों अपने दोनों फ़ोन्स की, एक तो है एंड्रॉयड और दूसरा है आईफोन। अगर आपके पास आईफोन नहीं है तो फिर आप आईक्लाउड से रिकवर कर सकते हैं, वो भी आपको बताऊंगा किस तरीके से। यहाँ पे आपको जो है एक OTG एडाप्टर की ज़रूरत पड़ेगी, ये USB-C हो सकता है या फिर माइक्रो USB हो सकता है, जो भी पोर्ट आपके एंड्रॉयड फ़ोन में है वो वाला आपको जो है अडाप्टर यहाँ पे लगेगा। और ये एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, इसको आपको जो है अपने एंड्रॉयड प्ले स्टोर से अपने एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर डाउनलोड कर लेना है। मोबाइल ट्रांस है इसका नाम। दो तरीके हैं, इंपोर्ट फ्रॉम iCloud और इंपोर्ट फ्रॉम USB केबल। तो इंपोर्ट फ्रॉम USB केबल पहले आपको बताता हूँ। सपोज दोनों फ़ोन आपके पास है तो लाइटनिंग केबल आपका ले लो, आपके आईफोन में लाइटनिंग केबल लगाओ, और उस लाइटनिंग केबल को अडाप्टर के साथ कनेक्ट करके आपके एंड्रॉयड फ़ोन में लगाओ। जैसे ही आप यहाँ पे लगाएंगे तो आपके फ़ोन में एक जो है पॉपअप आ जाएगा, और वहाँ पे आपको बस ट्रस्ट पे क्लिक करना है। मैं ऑलरेडी पहले कनेक्ट कर चुका हूँ, मुझे इस बार वो पॉपअप नहीं आया। यहाँ पे देखिए पूरी लिस्ट है जो जो चीज़ें आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, ऑलमोस्ट जो है सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है एक्सेप्ट फॉर व्हाट्सएप। व्हाट्सएप कैसे करना है बैकअप उसका ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो यहाँ पे बुक मार्क्स है, कॉन्टैक्ट्स है, वीडियोज़ है, क्लॉक है, डॉक्यूमेंट्स है, वॉलपेपर है, वॉइस मेल है, हर चीज़ आपकी आईफोन की आपके एंड्रॉयड पे आप जो है ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो यहाँ पे आप ट्रांसफर नाउ पे क्लिक कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आएगा, अगर आपको फ्री में इस्तेमाल करना है इसको तो आप फोटोज़ ही ट्रांसफ़र कर पाएंगे, और अगर आपको थोड़ा पैसा आप खर्चा कर सकते हो तो सारी चीज़ें जो है आप बहुत ही फास्ट ट्रांसफ़र कर सकते हो, और सिर्फ $10 है पूरे साल का, यानी कि तकरीबन 850 रुपये जो है इंडियन होता है पूरे साल का जो है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार 850 रुपये देंगे तो काफ़ी चीप है ये मेथड। एक बार पेमेंट आपने कर दिया, बस आपको कंटिन्यू करना है और स्टार्ट इंपोर्टिंग पे जो है आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप स्टार्ट इंपोर्टिंग में क्लिक करेंगे दोस्तों, अभी देखिए यहाँ पे बिल्कुल मैं फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर रहा हूँ, ये रियल टाइम में ट्रांसफर हो रहा है। आपको ऐसा लगेगा फास्ट फॉरवर्ड, तो ऊपर आप टाइम पर देख सकते हो पॉज करके वीडियो को। तो यहाँ पर देखिए कितना फास्ट जो है इसने ये 32 GB वाले आईफोन को इस एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर रिस्टोर कर दिया। इसमें ऑलरेडी जो है कम से कम 20 GB का डेटा होगा मेरे आईफोन के अंदर, और बहुत ही फास्ट और एफिशिएंट वे में इसने जो है ट्रांसफ़र किया है। और जब आप जाके चेकआउट करेंगे दोस्तों तो देखिए यहाँ पे वॉलपेपर तक जो है मेरे आईफोन का यहाँ पे मेरे एंड्रॉयड पे सेट हो गया ऑटोमेटिकली, तो ये बहुत अच्छी बात है। सारी चीज़ें जो है सीमलेसली ट्रांसफर हो गई, पूरे कॉन्टैक्ट्स आ चुके हैं, मैसेजेस आ चुके हैं, फोटोज़ आ चुके हैं। अब आपको बताता हूँ आईक्लाउड से कैसे आप रिस्टोर कर सकते हो। सपोज आपके पास आपका आईफोन नहीं है और आपका डेटा जो है वो आईक्लाउड पर बैकअप किया हुआ है, तो बस इंपोर्ट फ्रॉम आईक्लाउड पर आप क्लिक कर लो। यहाँ पर आपका जो है एप्पल आईडी और पासवर्ड आपको एंटर करना है। एप्पल आईडी पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको जो है आपके जो भी आईक्लाउड का डेटा है उसका बैकअप यहाँ पे नज़र आ जाएगा। बस यहाँ से स्टार्ट इंपोर्टिंग पे क्लिक कीजिए और आपका आईक्लाउड का जो डेटा है वो रिस्टोर हो जाएगा आपके एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर। तो दोस्तों ये है वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट, ईजिएस्ट एंड चीपेस्ट वे टू ट्रांसफर योर डेटा बिटवीन बोथ द डिवाइसेज, यानी कि आईफोन का जो डेटा है अगर आपको एंड्रॉयड पे लेना है, बहुत ही सिंपल तरीका है और इतना फास्ट होता है कि मैं खुद सरप्राइज हो गया इसको देख के। और जो इसका अमाउंट है जो आप पे करते हो पूरे साल के लिए, अगर आप दो डिवाइसेज यूज़ करते हो तो आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि 850 रुपीज़ में आप जो है सीमलेसली वायर ट्रांसफ़र कर सकते हो दोनों डिवाइसेज के बीच में, जो कि फास्टेस्ट मेथड है ट्रांसफ़र करने का। अब दोनों फ़ोन्स के अंदर एयर ड्रॉप तो है नहीं, एक आईफोन है दूसरा एंड्रॉयड है, एयर ड्रॉप होता तो बात ही कुछ अलग होती, लेकिन ये अगर मेथड आपको इस्तेमाल करना है तो आपको छोटा सा अमाउंट पे करना होगा। एनीवेज आपको इसको फ्री में भी ट्राई कर सकते हो, और एटलीस्ट फोटोज़ तो फ्री में ट्रांसफ़र कर ही सकते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पर जाके उसको क्लिक करके अपने एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए और एक बार कनेक्ट करके आप चेकआउट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, पसंद आएगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।